11 बजे लोकभवन में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसी के साथ कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर विषयों पर चर्चा होनी है। स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। अयोध्या वाराणसी से जुड़े प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। कई अहम प्रस्तावों को लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा से जो जुड़े हैं उन पर मोहर लग सकती है। अयोध्या वाराणसी से जुड़े प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई जा सकती है। 11 बजे लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी। और संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। संजय, महत्वपूर्ण आज विषय होंगे जिन पर चर्चा होगी। प्रस्ताव स्वास्थ्य और शिक्षा से भी जुड़ा होगा महत्वपूर्ण, जिस पर आज सहमति बनेगी। तो ये किस तरीके के प्रस्ताव होंगे जिन पर आज मोहर लग सकती है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको शिवांगी कि यूपी गवर्नमेंट लगातार 24 के चुनाव को नज़र पर रखते हुए जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, लोग तक पहुंच सके, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मंथन करती रहती है। और यही वजह है कि आज योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक है और आज बैठक में चाहे शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, इन दोनों मुद्दों को कैसे सुधारा जाए, चूँकि इनसे सीधे लोगों का जुड़ाव है और इसका फ़ायदा और नुकसान सीधे लोगों को देखना होता है, तो इस पर किस तरीके सुधार किया जाए उस पर विशेष फोकस किया जाएगा। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे एजेंडे हैं जिन एजेंडों पर आज मुहर लगनी लगभग तय मानी जा रही है। साथ ही साथ अयोध्या और बनारस, तो इन दोनों नगरियों को चूंकि दोनों ही धर्म नगरी के रूप में भी कहा जाता है और अयोध्या कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर है कि उसे पर्यटन के दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा डेवलप किया जाए कि पूरे देश से लोग जहां पर पहुंच रहे हैं और राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है तो वहां पर विकास की एक एक योजनाएँ वहाँ तक पूरी तरीके से पहुँचें और कहीं पर भी कोई दिक्कतें ना हो, तो अयोध्या के तमाम विकास के एजेंडों पर भी मुहर लग सकती है। वहीं बनारस चूँकि काशी जो नगरी है वहाँ से सांसद हैं देश के पीएम, तो उसको भी पर्यटन के नज़रिए से और धर्म के नज़रिए से पूरी तरीके से विकसित किया जा सके, वहाँ भी कोई कमी ना हो, उन उस एजेंडे पर भी आज कैबिनेट योगी और कैबिनेट की जो मोहर है वो लग सकती है। और कई ऐसे विकास के एजेंडे हैं जिन पर योजनाओं के लिए धन आवंटित किया जा सकता है और उन पर मोहर लगा करके उनके कार्य शुरू किए जा सकते हैं। तो ऐसे में आज 11 बजे योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा एजेंडों पर मोहर लगनी तय मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारियों के लिए।